आप एक कुशल प्रवचनकार हैं। आपके प्रवचन सरल, सहज, सटीक और जीवन की हर कसौटी पर खरे उतरने वाले हैं। आपके प्रवचनों में जीवंतता और जीवन की दूरदर्शिता होती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के शब्दों में, मुनि जी, आपका वक्तव्य भारतीय संस्कृति का प्राण है। आपके प्रवचन व्यक्ति की मोह, निद्रा, प्रमाद व मूर्छा तोड़ने वाले हैं। श्रोताओं का अंतः व बाह्य रूपांतरण करने वाले हैं। जीवन की समस्याओं को दूर करने और प्रयोग के आप जीवंत प्रतीक हैं। सदा रहे जयवंत शिव मुनि जय बोलो। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारी अनंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मैगानंग स्वर्णानंग सौदर्शीनंग। प्रभु तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, कोई भी इनके समोसरण में या उनकी शरण में जाता है, प्रभु उनका धर्म का बोध देते हैं, उनकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना, अनंत क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अमृतमय वाणी। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, सिद्धालय में चले गए हैं, परंतु पंचम काल में अभी उनकी वाणी हमारे लिए अमृत तुल्य है। उनकी वाणी को हम जाने, समझें, जीवन में अपनाएं, हम भी उन जैसे बन सकते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। प्रभु की वाणी को, प्रभु की क्षमा को, मैत्री को, करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने भगवान महावीर की वाणी उत्तराध्यान सूत्र का समग्र पराक्रम की चर्चा चल रही है। आज हमारा विषय है कक तपखा अध्या बोधानंग भन्ते जीवे किम जनय। हे भगवान, व्यवधान से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती। बोधानंग अक्रियंग जनय, अक्रियंग भगविता तब पच्छा सिज्जई बुझई मुच्चई परिनिवाई सब दुखान मंत्रण करे। व्यवधान का मतलब है अक्रिय, जीव क्रिया से रहित हो जाए, उससे जीव को क्या लाभ होता है। बहुत गहरा प्रश्न है। जीव कोई क्रिया ना करे, मन से, वचन से, काया से, करना, कराना, अनुमोदना, तीन करण, तीन योग से जीव कुछ भी ना करे, वो क्या हो जाता है? सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तेरहवें गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। भक्ति सूत्र के अंदर भगवान ने फरमाया, सवने नाने या विनाने, पच्छखाने या संयमे, अनहे तवे चे बोधाने अक्रिया सिद्धि। सुनना, किससे सुनना? सुनने तो बहुत कुछ सुनते हैं, 24 घंटे सुनते ही रहते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आए आपके कानों में, और आंख तो बंद भी कर सकते हैं, कान तो खुले रहते हैं, आप रात को सोए हैं फिर भी आवाज़ आ जाती है किसी की। सुनना, सत्संग, सत्य का संग करना। किसका सत्संग? सत्य का, जो सत्य को जानता है, जो सत्य का अनुभव करता है, जो सत्य में जीता है। कहना, बोलना, उपदेश देना कोई बड़ी बात नहीं। आज पंचम काल में सब जगह बोला जा रहा है आत्मा की चर्चा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चिंतन नहीं। भगवान फरमाते हैं, जो सत्य को जानता है, अनुभव करता है, श्रद्धा करता है, उसमें जीता है, उसकी वाणी सुनो। उससे क्या होगा आपको? उस श्रवण से क्या होगा? समने, उससे ज्ञान पैदा होगा।
ज्ञान कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, स्वयं का बोध होगा। और ज्ञान से क्या होगा? विज्ञान होगा, विशेष ज्ञान। एक ज्ञान, एक विज्ञान। विशेष ज्ञान का अर्थ है वो ज्ञान जो आपके जीवन का रूपांतरण कर दे, जो आपके जीवन को बदल दे। वो विज्ञान कौन सा है? स्वय और पर का भेद, दो तत्व जड़ और जीव का भेद कर दे, वो ज्ञान जो आप ध्यान शिविरों के माध्यम से भगवान की वाणी आप सुनते हैं, वो विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान जो प्रयोग करते हैं, विज्ञान कहते हैं उनको, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके आपको बताते हैं। एडिसन ने प्रयोग किया, ही बिल्ब बनाया, प्रयोग करते करते 700 बार हारा पर लगा रहा, ट्राई अगेन, सक्सीड। 700 बार हारने के बाद ये बिजली का बल्ब बना। आपको कितना समय लगता है? ऑन किया, रोशनी आ गई, उसने जीवन लगा दिया। तो विज्ञान की खोज, ऐसे भगवान ने जो केवल ज्ञान पाया, जो केवल ज्ञान की वाणी हमें मिल रही है, उस वाणी को सुनना, सुनने से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, आत्मज्ञान, भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद कर देना। जब तक भेद नहीं करोगे, आपको पुण्य तो मिल जाएगा, आप धर्म कथा करोगे, आप सुनोगे, उपवास करोगे, सब कुछ करोगे, परंतु आपको कर्म नजरा बहुत कम, न्यूनतम होगी। भेद विज्ञान, विज्ञान के होने पर क्या होगा? आपकी विवेक दृष्टि जागृत हो जाएगी। विवेक, क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे हंस मानसरोवर पर जाता है, हंसा तो मोती चुगे, बगुला गार लगाए। बगले की दृष्टि मछली पर है, हंस की दृष्टि मोती पर है। दूध रख दो, हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो इस जीवन में आप देखो कि आपने करना क्या है, किस लिए मैं जी रहा हूँ, परिवार में बैठा हूँ, मुझे अपने लिए क्या करना, बट आई हैव टू डू माई सेल्फ। ये आपको विज्ञान होने पर आप फिर क्या करते हैं? प्रत्याख्यान करते हैं। जो कार्य नहीं करना उसका क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। दुष्कृत्य, सुकृत्य, दुष्कृत्य, जो अच्छा कार्य करोगे, जो दुष्कृत्य है उसका प्रत्याख्यान, जैसे आपने पचकान करवा दो, प्रत्याख्यान कर लेती, उपवास का जो भी है, कि मुझे वो काम मुझे नहीं करना, प्रत्याख्यान हो जाता है। प्रत्याख्यान करने से क्या होता है, बोलो क्या होता है? आपने प्रत्याख्यान कर लिया तो क्या हो, क्या आपको क्या मिलेगा? आपका जो आश्रव था कर्म आने का, वो रुक जाता है, संबर की प्राप्ति हो जाती है। आश्रव रुक जाता है, संबर की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रत्याख्यान निजीव आश्रव को रोक लेता है। मिथ्यात अवर्त प्रमाद किशाय अशुभ योग, संसार में क्या आश्रव ही आश्रव, चारों ओर आश्रव है। जैसे समुद्र में का पानी बादल बन करके पहाड़ों पर आता है, पहाड़ों से नीचे तालाब में जाता है, तालाब भर जाता है, ऐसे चारों ओर इस संसार में मिथ्यात्मी लोग वो आपके कानों में बात डालते हैं, ये करना वो करना, आपको लगता है ये तो करना ही, ये तो करना है, करना नहीं करना। आप उसमें आश्रव को प्रत्याख्यान करने से आश्रव को रोक देते हैं। आश्रम का अनुभव करने से क्या हो जाता है? व्यक्ति तीर्थंकर की आज्ञा का आराधक हो जाता है। भगवान की आज्ञा का आराधक होना बहुत बड़ी बात है।
जन्मों जन्म लग गए हमें, हम समोसरण में गए, आप भी गए, मैं गए, वाणी सुनी, परंतु भगवान की आज्ञा के आराधक नहीं बने, इसलिए भटक रहे हैं पंचम काल में। जो अभी आपको ज्ञान मिला है, भेद विज्ञान मिला है, पहले नहीं मिला, आप समोसरण में जाके आए, भगवान की वाणी सुनी, सुन करके चले गए, वाणी तो बहुत अच्छी है पर ग्रहण नहीं किया। मैंने और आपने बहुत बार वाणी सुनी, भगवान स्वयं फरमाते हैं, परंतु उस वाणी का आपने उसको क्या किया, ग्रहण नहीं किया, आत्मसात नहीं किया, उस पर श्रद्धा करके उसमें पुरुषार्थ नहीं किया। और ये पंचम काल में अवसर है, आपको इतना भी समय है, पुरुषार्थ करके उस वाणी का, भगवान की आज्ञा का आराधक होना बहुत बड़ी बात है। तीर्थंकर की आज्ञा का आराधक हो जाए, आराधक होने से क्या होता है, तप की प्राप्ति होती है। तप से क्या होता है, तप से कर्मों की निर्जरा होती है। तवेन परिशुद्धयै, तप से आपकी आत्मा शुद्ध होती है। तप से कर्मों की निद्रा हो गई, फिर कर्म कटने से क्या होता है, अक्रिय, तब आप अक्रिय होते हैं। वो दानंग अक्रिय अर्थात स्थिर योगी सब पापों से रहित हो जाते हैं, और सब पापों से रहित हो जाते हैं तो जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। ये प्रक्रिया है संसार से मोक्ष जाने की। भगवान की वाणी कहते, जितनी आपने वाणी सुनी, भगवान कहते उसमें एक शब्द ले लो, बाकी सब छोड़ दो, आप मोक्ष चले जाओगे। एक जैसे मैं जीवात्मा हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं अकेला हूं, पूरे ब्रह्मांड में अकेला हूं, सर्वगुण संपन्न हूं, मुझे कुछ नहीं, इतना ही ले लो, बाकी वाणी को अलग कर लो, इसमें जियो। तो धीरे 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 आपकी स्थिति क्या हो जाती है। आज हमारा विषय है वो दानंग बनते अक्रिय, हम क्रिया को महत्व देते हैं। जब तक क्रिया रहेगी तब तक आप संसार में रहेंगे। भगवान कहते हैं क्रिया को महत्व देना ही नहीं, क्रिया चाहे आप पुण्य की कर रहे हैं या पाप की कर रहे हैं, भगवान उसको महत्व नहीं देते। कोई क्रिया कर लो तुम, चाहे संसार की कर लो, चाहे धर्म की कर लो, क्रिया से पुण्य ज़्यादा है, निर्जरा न्यूनतम है। भगवान क्या कहते हैं, अक्रिय हो जाओ। अक्रिय कैसे, जो मन तुम्हारा 24 घंटे चलता है ना, ये घूमता ही रहता है, इसको स्टॉप करो। मन से चिंतन ही नहीं करना, मन को अलग कर दो, मन से वचन से काया से। जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी और मन दुराई जा रहा है, दुराई जा रहा है। मन कहाँ लेके जाते हैं, या भूत या भविष्य, या भूत या भविष्य, ये करूँ ये ना करूँ, ये करना या नहीं करना, और भूत भविष्य में जाके क्या होता है, कर्मों का बंधन हो रहा है, चाहे पुण्य का हो गया चाहे पाप का हो गया। तो ना भूत में जाना ना भविष्य में जाना, फिर क्या करना, मन से कोई विचार करना ही नहीं, मन को निष्क्रिय कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। निष्क्रिय कर दो। निष्क्रिय कैसे करोगे, कैसे करोगे कि कोई भी विचार आए उसके साथ साथ नहीं चलना। जब मन कोई घटना घटती है, हम क्या करते हैं, उस घटना को, जैसे आप ने कुत्ता देखा, कुत्ता देखने के बाद आपने देखा कि ऐसा कुत्ता तो मेरे दोस्त के पास भी था, फिर आप उसके घर में गए, उस कुत्ते को देखा, वो कुत्ते को डाइनिंग टेबल पे आ गया, फिर आपने भोजन को देखा, फिर आपने खाना खाया,
फिर उसके सारे भोजन की चर्चा आ गई, फिर घर को देखा, घर से चर्चा हुई आपकी, ऐसे मन कहानी बनाता है। और कहानी बनाते बनाते कितना टाइम लग जाता है, ये सारा अनर्थ दंड है। भगवान कहते हैं कि उसकी चर्चा ही नहीं करनी। कहते ना भगवान ने कहा किसी ने कि मंत्र की साधना करो और बंदर ना आए तुम्हारे में। ये मंत्र की साधना करते करते बंदर ना आए तो मन क्या करता, बंदर ही याद आ रहा है। वो ध्यान करता बंदर, फिर बंदर, फिर बंदर, फिर बंदर। तो मन तो जो नहीं करोगे ना वो करता है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवच्यायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम आहिंसा संयमो तव, देवावी तंग नमंग संति जासुधम में श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सुदर्शना जैन, राजेश एंड पम्मी जैन, खार वेस्ट मुंबई, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।